गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब ये है मॉर्निंग का टाइम और आज यहाँ पे हो रही है बहुत तेज़ धूप। तो मेरे ना गमले में दो चार दाने सारे सोयाबीन और कैद की दाल के उग गए हैं, तो मैंने ना आज ही उनको देखा तो उनमें ना फलियाँ आ रखी हैं, तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये है गमला, इसमें मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये देखिए। और ये देखिए, दिख रही है आपको फली? ये देखिए। तो मुझे जब मैंने ये देखी ना फली, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये देखिए कैद की बेल, ये देखिए इसमें सोयाबीन फली दिख रही है आपको? अभी धूप है ना, इस वजह से मुझे तो कैमरे में ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए इतने सारे सोयाबीन लगे हुए हैं। और ये है गमला। तो दोस्तों, आजकल धूप बहुत तेज है और मैं सुखा रही हूँ गर्म कपड़े। तो आजकल मैं गर्म कपड़े ही सुखा रही हूँ, क्योंकि बंद रहते हैं ना इतने दिनों तक, कपड़े बंद रहते हैं तो उनमें ना बदबू आने लग जाती है, तो मैं उनको ही सुखा रही थी। मैंने इसी बैग में रखे हुए थे ये कपड़े, तो आज मैं उनको सुखा रही हूँ। और अभी बिस्तर भी सुखाने बाकी हैं जो बेड के अंदर हैं। तो फिर सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो नहीं सुखा पाऊँगी मैं, क्योंकि धूप कम हो जाती है इस वजह से। और आज बहुत ही तेज़ धूप है, ये देख सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ अचार मिर्च का, हरी मिर्च का अचार। तो ये मिर्ची हैं, इनको इनमें मैंने चीरा लगा लिया था और ये रख दिया मैंने तवा चूल्हे पे। और जीरे को मैं थोड़ा सा भूनूंगी, हल्का सा। और फिर मैंने डाल दी है मेथी और फिर है काली मिर्च और ये डाल दी मैंने सौंफ। और इनको मैं हल्का सा सेक के और इसे मैं मिक्सी जार में पीस लूँगी। ये देखिए, तो अब मैं इनको पीस लेती हूँ। और मैंने जार का ढक्कन लगा दिया है और ये मैंने पीस लिया है ये। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, तब तक तेल गर्म हो जाएगा जब तक मैं अचार में मसाला मिलाती हूँ। तो ये तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई पे और गैस भी ऑन कर दिया है। और यहाँ पे जो मिर्ची है जिनमें मैंने चीरा लगाया हुआ है, तो उसमें डाल दूँगी मैं मसाला, जो मसाला मैंने अभी बनाया ना, सौंफ, काली मिर्च, मेथी दाना और क्या था, दही था। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा ना कश्मीरी लाल मिर्च होती है कलर के लिए, वो मिला रही हूँ मैं इसमें। और डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी अजवाइन। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे, ये देखिए, ये ताकि जो मिर्चों में मैंने चीरा लगाया हुआ है तो उनके अंदर अच्छे से थोड़ा सा मसाला भर जाए, इस वजह से मैं उसमें मिला रही हूँ। और ये डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हल्दी मैं भूल गई थी मिलाने, तो मैंने हल्दी डाल दी है। अब मैं इसे मिला लूँगी। और उधर चूल्हे पर मैंने तेल भी रखा हुआ है, तो ये देखिए। और ये देखिए तेल भी उबल चुका है मेरा, तो मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी जब तक ये ठंडा होता है। तो यहाँ पे तेल ठंडा हो चुका है मेरा और अब मिला रही हूँ मैं मिर्च में तेल, ये देखिए। और ज़्यादा तेल नहीं मिलाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि अभी मैं मसाले के लिए मिला रही हूँ इसमें तेल, बाकी मैं डिब्बे में डाल दूँगी बाद में। ये देखिए,
अब मसाला दिख रहा है मिर्चियों में, तो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। और अब डाल दिया मैंने डिब्बे में अचार। वैसे कांच के बर्तन में डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास कांच का बर्तन नहीं था तो मैं इसी में डाल रही हूँ। ये प्लास्टिक का डिब्बा है, तो ये देखें, अब बहुत ही टेस्टी होता है ये मिर्च का अचार, लाजवाब होता है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो प्लीज़ बना लीजिए एक बार। ये देखिए, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।